राजस्थान प्रदेश भर में समस्त जिलों के अंदर गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और 42 डिग्री से 45 डिग्री का ये टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। ऐसे में अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान की हेल्पलाइन पर तमाम जिलों के करीब 300 से अधिक अभिभावकों की पिछले 3 दिन में शिकायतें दर्ज हुई है। उन राहत की मांग वे लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को तेज बुखार की, सरदर्द की, उल्टी की, दस्त की शिकायतें आई है और जयपुर के हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमने मालूम करा तो संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूरे प्रदेश के अभिभावकों की तरफ से मांग करना चाहते हैं कि 1 तारीख से या तो स्कूलों के अंदर ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया जाए, जैसा कि आयुक्त शिक्षा जो कॉलेज शिक्षा है उनके आयुक्त ने भी 1 तारीख से तमाम प्रदेश के निजी महाविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों के अंदर 1 तारीख से घोषणा करी है ग्रीष्मकालीन की, तो स्कूलों में भी ये किया जाना चाहिए। यदि सरकार इसकी मंशा नहीं रखती है तो कम से कम प्रातः 11 बजे से दोपहर 11 प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक का स्कूलों का समय रखा जाए, 11 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए जिससे कि बच्चे समय पर घर पर आ सके। क्योंकि जयपुर के मैं बताना चाहूंगा जयश्री पेड़ीवाल स्कूल, निर्जा मोदी स्कूल, विद्याश्रम स्कूल, वॉरन अकेडमी, एमपीएस, आईएएस, महावीर सेंटेंस स्कूल, यहाँ के अभिभावकों से आज हमारी बात हुई और सभी स्कूलों के अंदर छुट्टी का समय दोपहर 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे है। ऐसे में बच्चा 2 बजे फ्री होने के बाद में घर पर 2:30 बजे 2:45 बजे ट्रांसपोर्ट साधनों के माध्यम से गर्मी के अंदर आता है, आते ही ठंडा पानी पी लेता है, स्कूल से रवाना होता है तो भी उसको कहीं गर्म पानी मिलता है, ऐसी समस्याओं के अंदर बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम मांग करेंगे कि तुरंत शिक्षा मंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए या तो छुट्टियों की घोषणा करें ग्रीष्मकालीन या ये समय 11 बजे तक ही किया जाए। अब मैं मनीष विजयवर्गीय अभिभावक एकता आंदोलन प्रदेश संयोजक ये निवेदन करता हूं कि विद्यार्थियों को बच्चों को राहत दी जाए। धन्यवाद। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। राजस्थान प्रदेश भर में समस्त जिलों के अंदर गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और 42 डिग्री से 45 डिग्री का ये टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। ऐसे में अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान की हेल्पलाइन पर तमाम जिलों के करीब 300 से अधिक अभिभावकों की पिछले 3 दिन में शिकायतें दर्ज हुई है। उन राहत की मांग वे लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को तेज बुखार की, सरदर्द की, उल्टी की, दस्त की शिकायतें आई है और जयपुर के हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमने मालूम करा तो संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूरे प्रदेश के अभिभावकों की तरफ से मांग करना चाहते हैं कि 1 तारीख से या तो स्कूलों के अंदर ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया जाए, जैसा कि आयुक्त शिक्षा जो कॉलेज शिक्षा है उनके आयुक्त ने भी 1 तारीख से तमाम प्रदेश के निजी महाविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों के अंदर 1 तारीख से घोषणा करी है ग्रीष्मकालीन की, तो स्कूलों में भी ये किया जाना चाहिए। यदि सरकार इसकी मंशा नहीं रखती है तो कम से कम प्रातः 11 बजे से दोपहर 11 प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक का स्कूलों का समय रखा जाए, 11 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए जिससे कि बच्चे समय पर घर पर आ सके। क्योंकि जयपुर के मैं बताना चाहूंगा जयश्री पेड़ीवाल स्कूल, निर्जा मोदी स्कूल, विद्याश्रम स्कूल, वॉरन अकेडमी, एमपीएस, आईएएस, महावीर सेंटेंस स्कूल, यहाँ के अभिभावकों से आज हमारी बात हुई और सभी स्कूलों के अंदर छुट्टी का समय दोपहर 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे है। ऐसे में बच्चा 2 बजे फ्री होने के बाद में घर पर 2:30 बजे 2:45 बजे ट्रांसपोर्ट साधनों के माध्यम से गर्मी के अंदर आता है, आते ही ठंडा पानी पी लेता है, स्कूल से रवाना होता है तो भी उसको कहीं गर्म पानी मिलता है, ऐसी समस्याओं के अंदर बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम मांग करेंगे कि तुरंत शिक्षा मंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए या तो छुट्टियों की घोषणा करें ग्रीष्मकालीन या ये समय 11 बजे तक ही किया जाए। अब मैं मनीष विजयवर्गीय अभिभावक एकता आंदोलन प्रदेश संयोजक ये निवेदन करता हूं कि विद्यार्थियों को बच्चों को राहत दी जाए। धन्यवाद। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है।